अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही यूनिक टाइप का ग्लास बनाने से कहूँगा। तो कुछ फ्रेंड यार कहते हैं कि हमने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, लेकिन कुछ लोग यार स्लो बोलते हैं, कुछ जल्दी बोल जाते हैं और किसी जगह पर ट्यून होती है तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। प्लीज़ आप अपने अंदाज में समझाएँ। तो इसलिए यार ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। बाकी यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होती है उसको ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना कि आपने पिक स्लैब को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने आ जाना है एडिट में। एडिट में आने के बाद आपने करना कि आपने यहाँ पर नेम टाइप कर लेना है। नेम टाइप करने के लिए आपने करना क्या, कोई भी आप नेम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर नेम टाइप कर दिया है सना। सना लिखने के बाद अगला हमारा जो स्टेप वो ये है कि आपने आ जाना होता है ए बी वाले ऑप्शन में, ये फॉन्ट वाले। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, फॉन्ट, माय फॉन्ट, रीसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप मतलब फॉन्ट ऐड भी कर सकते हैं, नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप एक स्लैब में फॉन्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला फॉन्ट मैंने लगा लिया। तो बाकी अगर किसी को मेरी भी वॉइस से या मतलब मैं ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ या स्लो या समझ नहीं आती, कोई भी इशू या मसला प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि भाई आप स्लो बोल रहे हैं या आपको समझ ठीक नहीं आती या मार्क की आपको नहीं पता चलता, कोई भी मसला मसाइल है तो आप कमेंट्स करके मुझे कह सकते हैं कि भाई आप स्लो बोल रहे हैं या आप ठीक बोलते हैं। अगर मैं ठीक बनाता हूँ वॉइस में, आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ आती है, तो आपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि भाई हमें आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। अब यहाँ तक हो गया। इसके अलावा आपने करना क्या है, आपने एक साथ जो ये वाला ऑप्शन है इसमें आना और इम्पोर्ट में आना, ये वाला इम्पोर्ट है ना, और यहाँ पर एक पी एन जी ऐड कर लेना है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर पी एन जी मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। यार मैं जितनी मुमकिन है कोशिश करता हूँ कि यार आप लोगों को समझ आ सके, बिल्कुल स्लो बोलता हूँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ, बाकी मार्क भी लगाता हूँ ताकि आप यार सीख सकें। अगर आप मतलब सीखने आते हैं यार, अगर मैं स्लो बोलूँगा या तेज़ बोल जाऊँगा या मार्क नहीं लगाऊँगा, ट्यून लगाऊँगा, तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपका फिर कोई भाई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए यार मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ, जितना मैं समझा सकता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आपने करना कि आपने अरेज कलर में आना है और इसको अनेबल कर देना है और वन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आपने ले आना है और ओके कर देना है। ये टॉलरेंस 10 पे आपने इसको 70 पे कर देना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आपने बड़ा करके यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे लग गया, बाकी नेम भी हमारा टाइप हो गया, बाकी PNG भी लग गया। इसके बाद ये जो बैकग्राउंड पे आता है ना ऊपर सब्ज़ वाला, ये ख़त्म हमने करना है, ठीक है। अब आपने करना कि आपने यहाँ पर आना है, ऊपर आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर जो डब्बे से बने इस पर क्लिक कर देना है तो इसका बैकग्राउंड कट जाएगा खुद ब खुद। इसके अलावा जो अगला हमारा स्टेप हो गया कि ये ऊपर कार्ड वाला ऑप्शन बना है, यहाँ पर देख रहे हैं इस पर डॉट मैं लगा रहा हूँ, मार्क मैं नहीं लगाता, ये डॉट मैंने एक ऑन किया हुआ, ठीक है, आपको आसानी के साथ नज़र आ रहा होगा। नीचे सेव एज इमेज पर क्लिक आपने करना है, ये डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। इस पर आइकन पर क्लिक करना है, नीचे आपने आना है, यहाँ पर अल्ट्रा अल्ट्रा लाकर ऊपर सब्ज पट्टी पर सेव टू गैलरी है, तो आपने इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर देना, ये हमारा नेम सेव हो जाएगा। अब जो सेकेंड ऐप आपने यूज़ करना है वो है पी एस टच। अब हमने पी एस टच में जाना है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं पी एस टच में आ गया हूँ। अब आपने करना कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक शेयर का एक प्लस का, आपने प्लस पर क्लिक कर देना है, फोटो लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पर अपना भाई नेम आपने सॉरी नेम कह रहा हूँ पिक ऐड कर लेनी, ठीक है। अगर आपको ये पिक चाहिए तो आपने कॉन्टैक्ट करना है मुझ पर इंस्टाग्राम पर मुझसे, ठीक है। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला मैं आपको पिक दे दूँगा, ठीक है। ये पिक मैंने बहुत दफ़ा यार यूज़ की है, मुझे बहुत ही कमाल की और प्यारी ये पिक लगती है, इस पर बहुत ही अमेजिंग टाइप का ग्लास पॉट बनता है। फिर प्लस पर आना है, यहाँ पर फोटो लेयर में जाना है और आपने करना कि आपने पिक स्लैब वाला फोल्डर ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर अपना मेरा भाई आपने नेम ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये नेम ऐड मैंने कर लिया। नेम ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद इसको तकरीबन यहाँ पर रखना है और टेक कर देना है। अच्छा, पिक भी ऐड होगी, नेम भी ऐड हो गया। अब आपने प्लस पर आना है और इसकी दो डुप्लीकेट कॉपी कर देनी है, ठीक हो गया, दो डुप्लीकेट कॉपी हो गई। अब आपने ना करना क्या है, आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। आपने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में जाना है और बेसिक में जाना है, और इसके अलावा आपने करना है कि आपने लाइटिंग में आ जाना है और ऑलरेडी इसका सर्कल मैंने बैर किया हुआ है और टिक कर देना है। अच्छा, अब आपने करना क्या, ये प्लस के साथ देखना एक ने क्या, ठीक है, पतंग सा बने हुए, इसमें आना है और यहाँ पर ब्लेंड मूड वाले ऑप्शन में इसको सिंपली स्क्रीन कर देना, स्क्रीन हो गया। अब आपने सेकंड लेयर में आ जाना, ये वाले, ठीक है, ये हाइड हो गया गलती से। इसको आपने मेरा भाई सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने एफ एक्स में जाना है। इसके अलावा आपने इस बेसिक पर ही क्लिक रखना है, ठीक है, पहले ऑप्शन पर, और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है।
इसका जो एंगल है ना ये आपने तकरीबन 19 पे कर लेना है, और इसका जो बलार है ना ये आपने 3 पे कर लेना है, और जो डिस्टेंस है ये भी आपने 3 पे कर लेना है, और ओके कर दिया। अब आपने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, दो लेयर का हमारा काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे तीसरी लेयर पर। अगर आप पेक से ऊपर इसको काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट लेयर बनती है, और ऊपर से आप नीचे आएंगे तो ये भाई थर्ड वाली लेयर बनती है। ये आपने बात माइंड में रखनी है, ठीक हो गया। बाकी अदर वीडियोज़ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ठीक है, वो वीडियो ज़रूर वॉच कर ले करें। वो भी ग्लास फंड की वीडियोज़ हैं, तकरीबन 9-10 मैंने दी हैं, तो बहुत काम किए हैं, वो बहुत आपके काम आएंगी, वो भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी यार सपोर्ट मुझे ज़रूर कीजिएगा, ठीक हो गया। जैसे मुझे मैंने कल वीडियोज़ अपलोड की थी, आपने मुझे प्यार मोहब्बत दिया है, प्लीज़ इसी वीडियो पर भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो बाकी यार सपोर्ट ज़रूर करके सब्सक्राइब ज़रूर चैनल किया करें, ठीक है, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और उसके अलावा बेल आइकन जो होती है ना वो यार ज़रूर प्रेस किया करें, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, अक्सर मेरे पास कुछ लोग हैं मुझे स्क्रीनशॉट देते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन यार बेल आइकन नहीं प्रेस करते, क्योंकि उससे आपका ये नुकसान होता है जैसे मेरी न्यू वीडियोज़ आती है वो आपको जल्दी नहीं मिल पाती। अच्छा, यहाँ पर आपने आने के बाद आपने FX में जाना है और बेवल में आ जाना है। अच्छा, बेवल का कलर आपने ना वाइट ही रखना है, और ब्लर आपने 15 पर रखना है, डिस्टेंस 15 पर रखना है, और इसका एंगल आपने 180 पे कर देना है। अच्छा, 180 पे हो गया, 180 पे करने के बाद आपने करना क्या है, ओके कर देना है। फिर आपने FX में आना है और बेवल में आ जाना है। ब्लर और डिस्टेंस ये 15-15 पे रहने देने हैं, कलर वाइट रहने देना है, और एंगल इस दफ़ा इसका आपने 45 कर लेना, मतलब 45 पे कर लेना, यहाँ तक हो गया। फिर आपने FX में जाना है, तीसरी दफ़ा जो बेवल लगाना है ना ब्लर डिस्टेंस कलर वही रहने देना है, वो सेटिंग आपने चेंज नहीं करनी, ठीक हो गया। तो बाकी इसका जो एंगल है ना, पहले हमने 180 रखा था, सेकंड दफ़ा हम 45, तीसरी दफ़ा आपने 135 कर लेना है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद हमारा यहाँ तक तो नाम कंप्लीट है, लेकिन इस पर अभी तक यार हमने बहुत डिजाइनिंग करनी है, कलर वगैरह लगाना है, इसकी बहुत चेंजिंग करनी है, ठीक है। आपने वीडियो स्किप करके मेरा भाई नहीं जाना, सारी देखनी तब आप ऐसा बना सकेंगे, वरना भाई आप नहीं बना सकेंगे ये क्लास में। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद आपने 2 लाइन्स पर आ जाना है, यहाँ पर देखना एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, ठीक ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ब्लैक पट्टी को मतलब लेफ्ट साइड पे स्टार्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे लेकिन आपने ये लेना है ऑप्शन कॉर्ब्स का, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये तार सी बनी हुई है, ठीक है, इसको जैसे मैं सेटिंग रखूँगा या ये मतलब आपने वीडियो यहाँ से रोक कर देखनी है या 5-6 दफ़ा देखनी है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो मेरा भाई आप स्क्रीन शॉट इस तार का ले लें, ताकि आप आसानी के साथ ये सेटिंग कर सकें और आप इस तरह का बना सकें। ये देखना मैं बना रहा हूँ तो आपको आसानी के साथ ये नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे देखना जैसे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक हो गया, कोई इशू वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी सेटिंग रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप की रखूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग कितनी प्यारी हो रही है, और यहाँ पर आपने आराम से देखना है, ठीक हो गया, यहाँ पर, और इसको टेक कर देना है। टेक करने के बाद अगर आप इस पर एक दफ़ा फिर लगाएंगे तो ये थोड़ी बहुत चेंजिंग और टाइप की हो जाए, आप यहाँ तक ही रहने दें। अच्छा, यहाँ तक रहने के बाद आपने सेकंड लेयर में आ जाना है, ये वाला बोर सेलेक्ट कर लेना है, ये जो बैर है ना इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर कंटिन्यूस की टेक ऑन रखनी है, एंटी लेस की भी टेक ऑन होनी चाहिए, टोलरेंस 30 पे होनी चाहिए, और मोड प्लस होना चाहिए, ठीक हो गया। मोड कितना होना चाहिए, प्लस। फिर आपने इसको सेलेक्ट कर देना है, इसको और इसको, जिस जिस पर आपने ये सेलेक्ट किया आपने इसको सेलेक्ट करना है और नहीं सेलेक्ट करना। अब आपने करना है कि आपने प्लस पर आना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, 4 फोटो लेयर, एम्प्टी लेयर, डुप्लीकेट लेयर, लेयर फ्राम सेलेक्शन, हम करेंगे लेयर फ्राम सेलेक्शन। अच्छा, अब आपने पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। अब आपने करना है कि जो लेयर फ्राम सेलेक्शन किया था इसको सेलेक्ट करके FX में जाना है और यहाँ पर बेवल में आ जाना है। अच्छा भाई, जैसे ही आपने बेवल में आना है ना, यहाँ पर आपने सेटिंग देख लेनी है, इसका जो लेयर फ्राम सेलेक्शन में आकर बेवल में हम आ गए, इसका एंगल जो है ना 180 पर कर देना है, ब्लर 15, डिस्टेंस 15, और कलर वाइट। और फिर आपने FX में आना और बेवल में आना है, इस दफ़ा इसका जो एंगल है ये आपने मेरा भाई 45 कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 45 आपने करना है, काम जो ज़्यादा आपने नहीं करना, यहाँ तक हो गया। फिर आपने बेवल में आना है और इसका एंगल जो है 135 पे कर देना, जहाँ तक होने के बाद अब आपने करना क्या है, जो हमारा अगला स्टेप है वो ये, आपने 2 लाइंस पे आना है,
ये यार मेथड ध्यान से देखा करें, क्योंकि अगर कोई भी आप स्टेप मिस कर देंगे तो आप क्लास फंड सेम नहीं बढ़ा सकेंगे। कर्व्स में आना है, कर्व यही सेम सेटिंग आपने रखनी, थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ तक हो गया। अब आपने करना क्या, इस लेयर को सिलेक्ट करना है, एफएक्स में जाना है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा फोटो का और सनी आफ्टरनून ले लेना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये चीज़, ठीक है, ये बनाना था हमने, कितना प्यारा अमेजिंग शाइनिंग वाला इसमें गोल्ड आ गया, ठीक है, ये वाला आपने बनाना, ये बन गया। इसके अलावा अब आपने करना क्या, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आपने यहाँ से देखना है। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है सेकंड लेयर को, ये मैजिक बैंड टूल सेलेक्ट करना है और इस ये जो ऊपर बना हुआ है ना ये बाज वगैरह बना हुआ है, ठीक हो गया, इसको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट लेयर में आना है और इस वाले वंग में आ जाना है और फिल एंड स्ट्रोक में आना है। यहाँ पर आपने नॉइज रखना है, कलर आपने कौन सा करना है, ये वाला, अगर ये वाला नाम भी करें आप वाइट भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप वाइट रखें, ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया, ये डिज़ाइन इस पर बन गया। बाकी अब आपने करना क्या, अब हमारा काम रहेगा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ठीक है, ये तो हमने नॉइज लगा दिया, इसको गोल्ड कर दिया, ये जिस पे मैं ये डॉट घुमा रहा हूँ, ठीक हो गया, ये वाला ये दिल से बना हुआ ये लाइन सी, इसको आपने सिल्वर ही रहने देना है, ठीक हो गया, इसको आपने सिल्वर रहने देना है। अब आपने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, ये बुर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने ना मोड प्लस ही रहने देना, कंटिन्यूस के टेक ऑन होनी चाहिए, 20-30 पे होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, जैसे मतलब मैं यहाँ पर फेल करूँगा ये जो कुछ मैथड तरीका, मैं अगर एक वर्ड में आपको सारा बता देता हूँ, सारे वर्ड में वही होता है तरीका मैथड, लेकिन कुछ लोग मुझ पर गिला शिकवा करते हैं कि भाई आप सारा बना कर दिखाया करें, क्योंकि सारा इसलिए नहीं दिखाता था यार वीडियो लंबी हो जाती है, आप भी बोर हो जाते हैं, आपका भी टाइम बच जाता है, आपका भी टाइम नहीं ज़ाया होता और बाकी मेरा भी टाइम बच जाता है, इसलिए अब मैं यार सारा बना कर दिखाता हूँ ताकि आप ये ना समझें कि भाई आपने तो आधा बना कर दिखाया था, हमने तो सारा बनाना है, इसलिए यार फिर आपका गिला शिकवाता है तो मैं यार आपको सारा बना कर दिखाता हूँ। अच्छा आप यहाँ तक हो गया, इस एस को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपने आना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने यहाँ पर आ जाना है, ये जो ऊपर है ना पेंसिल, इसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म का, यहाँ पर आपने एक्सपेंड ले लेना है, एक्सपेंड लेने के बाद आपने इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है, मतलब -20px इसको कर देना है, यहाँ पर ओके कर दिया। अच्छा बाकी इसमें ये सिल्वर भी बच गया, ठीक है, हमने इसमें तीन डिज़ाइन बनाने, एक मतलब गोल्ड का बन गया, बाकी सिल्वर बन गया, और इसको जो हमने बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये वंग से में आना है, ठीक है, वंग में आने के बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर आना है फिल पे, टाइप पे क्लिक करके ये फिल पे आपने रखना है, ठीक है, फिल पे कलर आपने कौन सा करना है, रेड। अच्छा रेड हो गया, यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट आप लोगों को बात बता दूँ, देखना इसमें तीन टाइप का आ गया है, मतलब साइड पे गोल्ड है, बीच में सिल्वर है, और जो लास्ट में मतलब मिडिल में ये रेड मैंने कर दिया। इसी तरह आपने फिर पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया, यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा इस पे, फिर आपने पेंसिल में आना है और यहाँ पर आपने आ जाना है कौन से ट्रांसफार्मर वाले ऑप्शन में। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जल्दी किया क्योंकि आपको मैंने एस पे तरीका मेथड बता दिया है, तो कोई इशू वाली बात नहीं, आपको समझ आ जाएगी। अब आपने जवांग पे आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है और यहाँ पर आपने येलो कर लेना है, फिर मैं पिक्सल यहाँ पर डी सेलेक्ट करूँगा और एन पे मैं क्लिक कर लूँगा, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा पेंसिल में आऊँगा और ट्रांसफार्मर में आऊँगा और यहाँ पर एक्सपेंड -20px कर देना है। फिर आपने मेरा भाई यहाँ पर कलर ले लेना है, कलर आपने इस दफ़ा कोई भी रख लेना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्लू रख लिया और जो अब मैंने पिक्सल फिर डी सेलेक्ट कर दिया। अब आपने इसको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे इसको, इसको और इसको। अच्छा अब आपने करना है कि यहाँ पर जैसे ही आपने सेलेक्ट ये हो जाने, मैं फिर आपको तरीका मैथड बता देता हूँ। ए एन पे मैंने थोड़ा जल्दी किया, एस पर मैंने आपको सही समझाया। अब आपने पेंसिल में आना है, फिर आपने यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में, जैसे आपने ट्रांसफार्मर में आना, इस एक्सपेंड पर क्लिक कर देना, इसको आप आगे भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन ये और टाइप का बन जाएगा। -20px जरूरी नहीं, ये फॉन्ट का हिसाब होता है, जो फॉन्ट जो PNG में यूज़ करूँगा इसका लिंक आपको आसानी के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आपने नीचे चले जाना है तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल शार्ट है। अदर वीडियोज़ का भी लिंक होता है ग्लास फॉन्ट की, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर -20px हो गया, फिर बीच में पिक्सल सेलेक्ट हो गया। अब आपने करना है कि यहाँ पर अपनी मर्जी का कलर आप रख सकते हैं, ठीक है, जो कलर आपको पसंद है, ठीक है, मुझे यहाँ पर ऑस ग्रीन कलर पसंद है, लेकिन यहाँ पर ऑस ग्रीन बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन ये
मिलता जुलता है मैं यही लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे और स्क्रीन पसंद है, लेकिन उससे मिलता जुलता है मैं यही कलर रखूँगा। यहाँ तक होने के बाद आपने करना क्या है, ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसको आपने सिल्वर रहने हार्ट को और ये लंबी सी लाइन को, ये जो आप मिडिल में बच गया है ना, इसका आपने करना है कि इसको आपने फिर स्ट्रोक आपने इसको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और इस पर आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर देना है, इधर आ जाना है और फिर आपने यहाँ पर आना है, फिर आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पे, अच्छा अब आपने फिर इसको गोल्ड बनाना है। गोल्ड बनाने के लिए आपने फिर लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लेनी है और यहाँ पर आपने करना है कि पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है, बेसिक में आना है, यहाँ पर बेवल में आना है, 15 पे ब्लर डिस्टेंस 15, कलर वाइट और एंगल इसका 180, एक दफ़ा हो गया। दूसरी दफ़ा बेवल आपने लगाना है, इसका जस्ट आपने एंगल चेंज करना है, बेवल ब्लर और डिस्टेंस आपने वही रहने देनी है, 15 ब्लर डिस्टेंस 15, कलर वाइट, एंगल दूसरी दफ़ा आपने 45 रखना है, बिल्कुल वही सेम सेटिंग करनी जो आपने नेम की थी। इस दफ़ा फिर आपने एंगल 135, पहली दफ़ा हमने 180 पर रखा था, दूसरी दफ़ा हम 45 पर रखा था, फिर हमने 135 पे किया था, ब्लर डिस्टेंस की सेटिंग आपने चेंज नहीं करनी, ये 15 रहने देना और कलर आपने वाइट रखना है। अब आपने टू लाइंस पे आना है, यहाँ पर आपने कर्व्स में आना है, कर्व्स की आपने बिल्कुल सेम यही सेटिंग आपने रखनी है, देख लेनी, इसका स्क्रीन शॉट आप ले लें या बाकी आप मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे। जहाँ तक हो गया, अब आपने फिर FX में जाना है, फोटो में जाना है और सनी आफ्टरनून ले लेना है। ये देखिए फिर जिस जगह पर मैंने सेलेक्ट किया था उस पर स्ट्रोक आ गई, मतलब गोल्ड आ गया। अच्छा यहाँ तक हो गया तो ये डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन यहाँ पर आपने करना है कि आपने फर्स्ट लेयर में आ जाना है, ये वाली फर्स्ट लेयर है, FX में जाना है, बेसिक में आ जाना है। यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत इसकी और चेंजिंग करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो स्किप भाई ना किया करें, सारी देखा करें, ठीक है, जो भी मेरी बहन भाई देखते हैं प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच किया करें यार, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, साथ ही रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस करें, ठीक है, उसके साथ बेल आइकन होती है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी न्यू वीडियो के जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा ग्लो में आ गए, ग्लो कितनी लगानी होती है, 0.6, ठीक हो गया, और कलर वाइट, कलर वाइट कर लिया, यहाँ तक हो गया, ठीक है, 0.6 स्ट्रोक लग गई। अच्छा अब आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर देनी है, डुप्लीकेट कॉपी हो गई, अब आपने करना क्या मेरा भाई, आपने नीचे आ जाना है ये वाले इसमें, ठीक हो गया, इसमें आने के बाद आपने करना क्या है, FX में आना है, थोड़ी बहुत अगर आप ड्रॉप एंड शेडो में चेंजिंग करना चाहें तो आप इसका एंगल थोड़ा सा इनक्रीज कर सकते हैं, ठीक हो गया, यहाँ पर तकरीबन 135 पे आप कर लें, ब्लर जो है ये आपने 5 पे कर देना है इस दफ़ा और डिस्टेंस आपने 8 पे कर लेनी है, तो यहाँ पे अब ठीक लग रहा है, मतलब ये वाज़ नज़र आ रहा है, ठीक है, पहले हमने सेटिंग इसकी और तरह से की थी, अब थोड़ी सी हमने और करनी, अब आपने ना नीचे आ जाना है, इसकी आप एक डुप्लीकेट कर लें कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने इसका ब्लेंड मूड ऑलरेडी नॉर्मल है, लेकिन इसका ब्लेंड मूड यहाँ से आपने सेट करके रख लेना, ये ओवरले करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, लेकिन ये इतना शाइनिंग वाला या ठीक नहीं लग रहा, आप इसका ब्लेंड मूड यहाँ से लैटन कर दें और इसको नीचे लेकर आ जाएं, जो ऊपर वाली इससे लेयर है, ठीक है, इसका ब्लेंड मूड यहाँ से आप, ठीक है, लैटन कर दें, ठीक है, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, लेकिन इसका ब्लेंड मूड आप ओवर ले भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, तो आप नॉर्मल भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, मैं नॉर्मल ही रखूँगा, बाकी आप ये कलर वाले की भी कॉपी कर लें। अब मैं फिर आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये नीचे वाले की मैंने एक कॉपी कर दी, ठीक हो गया, और इसका ब्लेंड मूड आपने लैटरन रखना है, नीचे वाले का ऊपर वाले का ओवर मतलब नॉर्मल रखना है, ठीक है, ये दो लेयर कंप्लीट हो गई। इसके अलावा ये वाली है मतलब गोल्ड, मतलब सॉरी गोल्ड कह रहा हूँ, कलर वाली शेडो वाली, इन दोनों का ब्लेंड मूड मल्टीप्लाई ही रखना है, ठीक है, बाकी ये वाली है इसका नॉर्मल ही रहने देना है, जिसमें लेयर फ्रॉम सिलेक्शन की थी इसको चेंज नहीं करना, बाकी ये जो गोल्ड वाली इसका नॉर्मल है, अगर ओवरले करेंगे तो ये इस टाइप का बन जाएगा, और इसका ब्लेंड मोड अगर मल्टीप्लाई रखेंगे तो ये इस टाइप का बन जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे भी आप रखना चाहें, डार्कनर रखेंगे तो ये इस टाइप का, डिफरेंस रखेंगे तो इस टाइप का, लेकिन मैं इसका ब्लेंड मोड नॉर्मल ही रखूँगा क्योंकि मैं गोल्ड ही मुझे चाहिए इतना गोल्ड ही रखूँगा, ठीक हो गया। इसकी अगर आप कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं एक कॉपी इसकी भी, और ऊपर आ जाएँ जो स्ट्रोक है इसकी भी, मतलब एक आपने कॉपी कर दी, ठीक है, इसका ब्लेंड मूड रेडी स्क्रीन होता है, चेंज करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका ग्लास बन रेडी है, अब मैं आपको यहाँ पर सेव करने का तरीका बताऊं, आपने डन पर क्लिक कर देना है, सेव पर क्लिक कर देना है। कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं, ओके का ऑप्शन नहीं शो होता, तो
उसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होता। यहाँ तक हो गया, आपने शेयर पर क्लिक कर देना। सबसे पहले आपने सेव टू गैलरी पर क्लिक करनी है। यहाँ पर आइकन पर आना है, PNG पर क्लिक कर। अब ओके का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, ठीक है। पहले मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी सारा नेम वाली, तो आपको सेव का तरीका देता था। अब आपने पहले पिक पर क्लिक करना है, फिर ओके का ऑप्शन शो। जैसे इस पर क्लिक उठाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा, तो ये मसला लोगों के साथ आता है। आपने पहले पिक पे फिर ओके करना है, तो ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की हमारी बस यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।